होम्यो रीडर के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो अपडेट है वो होम्योपैथिक जॉब से रिलेटेड है, तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक जॉब के क्षेत्र में क्या नई अपडेट आई हुई है। होम्यो रीडर के YouTube चैनल पर जो अपडेट मैं आपको आज देने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती के बारे में बार बार हमसे पूछा जाता है कि सर होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती पर अपडेट कब आएगा, तो उस पर मैंने जो है कि एक अपडेट लेकर आया हूँ। ये आपको मैं जानकारी के लिए आज आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती कब होगी, इसके बारे में मैं आपको इसमें अपडेट में देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी की अभी हाल फिलहाल में 177 और 596 पदों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 596 पदों में काफ़ी लोगों का 177 पदों की भर्ती में हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने 596 को ज्वाइन नहीं किया था। तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि उसका वेटिंग लिस्ट आएगा, लेकिन काफ़ी समय बाद जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आया। लेकिन अब एक जानकारी ये आ रही है कि जल्द ही जो है विभाग वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकता है 596 पदों के लिए, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि विभाग बहुत जल्दी 596 पदों के जो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पद थे उसमें जो रिक्त स्थान है उसके लिए जो है बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा। इसके अलावा जितने भी विभिन्न जगह हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया या होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की जो खाली पद है, इसके अलावा भी जो खाली पद रह जाते हैं उसमें भी बहुत जल्द ही होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और जो है लेक्चरार और साथ में रीडर की भी भर्ती होने का अनुमान है, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही ये सब भर्ती होगी। और ये भर्ती के लिए जो है कि मैं आपको एक साक्ष्य भी प्रस्तुत करता हूँ, जो कि माननीय आयुष मंत्री दयाशंकर डॉक्टर दयाशंकर दयालु की तरफ से दिया गया है। उसमें उन्होंने हनेमैन दिवस पर, यानी कि विश्व होम्योपैथी डे पर या हनेमैन के जन्मदिन पर आयोजित बनारस में आयोजित एक सेमिनार के दौरान ये बातें कही कि बहुत जल्द ही होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा पदाधिकारियों की भर्ती होने का अनुमान है और बहुत जल्द ही भर्ती होगी। तो बहुत जल्द भर्ती होने का इन सेंस ये है कि बहुत जल्दी विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि विज्ञापन के बाद भर्ती होने में समय लगता है, तो भर्ती होने में समय लग सकता है, लेकिन विज्ञापन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि विज्ञापन बहुत जल्द ही जो है लोक सेवा आयोग NRHM और भी विभिन्न जो है कि टीचर रीडर पोस्ट के लिए भी आ सकती है। तो ऐसा अनुमान है जो आप स्क्रीन पर इस समय देख भी रहे हैं कि डॉक्टर दयाशंकर दयालु के जो है आयुष मंत्री जो हैं उनका बयान है कि होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। तो ये एक बयान है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि होम्योपैथी गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा और साथ में जो है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के जितने भी खाली पद हैं उनको शीघ्र ही भरा जाएगा। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपको होम्यो रीडर की तरफ से दे रहा हूँ, और अनुमान है कि बहुत जल्द ही होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों पर भर्ती होगी। और साथ ही ये भी अनुमान है या ये भी सुनने में आ रहा है या ये सूत्रों से ऐसा पता चला है कि 596 के सापेक्ष जो है वेटिंग लिस्ट भी जो है सरकार बहुत जल्दी जारी कर सकती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के थ्रू जो है वेटिंग लिस्ट जारी होने का अनुमान है 596 पदों के सापेक्ष। तो उत्तर प्रदेश से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी पदों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो है NRHM की भर्ती आई थी जिसमें टेस्ट जो है जिसका टेस्ट 2 बार लिया गया, लेकिन अभी तक तो उसकी भर्ती नहीं हो पा रही थी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती होने का अनुमान है। तो ये एक अपडेट है आपको होम्यो रीडर पर, आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और साथ में हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।